उधर कोरोना के बढ़ते कहर के बीच हरियाणा ने संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का बड़ा ऐलान कर दिया है। तो यहाँ हरियाणा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री अनिल विज ने ये बड़ा ऐलान किया है। अब आपको ये बता दें कि 3 मई से अगले 7 दिन तक संपूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा और इससे पहले शुक्रवार को ही सरकार ने 9 जिलों में वीकेंड लॉकडाउन लगाने की बड़ी घोषणा की थी। तो यहाँ हरियाणा सरकार ने ये फैसला इसीलिए लिया ताकि कोरोना संक्रमण पर काबू पाया जा सके और अभी वहाँ हालात पूरी तरह से बेकाबू होने लगे हैं। मरीजों की संख्या की बात की जाए तो मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही नजर आ रही है। हरियाणा में बीते 24 घंटों की बात करें तो कोरोना के 13,588 नए मरीज सामने आए और 125 लोगों की कोरोना से मौत भी हो गई। और देश में बढ़ते कोरोना संकट के बीच कई राज्यों ने लॉकडाउन लगाने की शुरुआत कर दी है। और उधर उड़ीसा की बात की जाए, उड़ीसा ने आज ही 14 दिन के लिए टोटल लॉकडाउन की घोषणा कर दी है और वहीं दिल्ली में भी लॉकडाउन 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। और राजधानी में अब 10 मई की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा और हरियाणा के पड़ोसी राज्य पंजाब में भी 15 मई तक बंदिशें लागू कर दी गई है। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।